चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के हाथों मिली शर्मनाक हार के बाद श्रीनगर में पटाखे फोड़े गए। अलगाववादी नेता मीरवाइज ने भी जश्न मनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जश्न मनाते मीरवाइज उमर फारूक। पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाया गया घाटी में कल, और यह सब कुछ हुआ अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक के घर के बाहर। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। और इस सब के बाद भारत की हार पर मीरवाइज उमर फारूक ने ट्वीट भी किया। सब तरफ पटाखों की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ईद जल्दी आ गई है, बेहतर खेलने वाली टीम का दिन रहा। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने ट्वीट किया है, पाकिस्तानी टीम को जीत की बधाई। तो भारत की हार पर गद्दारों ने किस तरह खुशियां मनाई, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और मीरवाइज फारूक के इसी ट्वीट पर गौतम गंभीर भड़क उठे। उन्होंने ट्वीट कर मीरवाइज पर निशाना साधा। गंभीर ने ट्वीट कर ये लिखा है कि मीरवाइज को मेरी सलाह है, तुम क्यों नहीं पाकिस्तान चले जाते हो, वहां तुम्हें बढ़िया चाइनीज पटाखों की आतिशबाजी मिलेगी। ईद वहीं मना लेना, सामान पैक करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो मीरवाइज के ट्वीट का जवाब दिया है गौतम गंभीर ने। कल भारत की हार के बाद मीरवाइज उमर फारूक ने अपने घर के बाहर जश्न मनाया और ट्वीट कर यह लिखा कि जैसे ईद जल्दी आ गई हो, और इसी का जवाब दिया है गौतम गंभीर ने। पाकिस्तान के हाथों 180 रन से मिली शर्मनाक हार के बाद क्रिकेट फैंस गुस्से में हैं। रात में मैच के बाद देश के कई शहरों में लोगों ने टीम इंडिया को खराब प्रदर्शन कर जमकर भला बुरा कहा। लोगों के गुस्से को देखते हुए रात में रांची में धोनी के घर की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। टीम इंडिया ने जिस तरह महामुकाबले में पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, उससे देश के करोड़ों क्रिकेट फैंस का ये हाल हुआ। मैच के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और विराट कोहली के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली। क्रिकेट फैंस को समझ में नहीं आ रहा, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेलती आ रही टीम इंडिया के साथ आखिर फाइनल में ऐसा क्या हुआ। मुझे लगता है कि जैसे पहले आउट हुआ उससे सबने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया और सब हारते रहे। वैसे तो हमारा प्रदर्शन पूरे मैच में अच्छा था, इसलिए हम फाइनल्स में आए थे। हमें लगता है कि टीम इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और इसलिए हार गई। इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है, बस मैं यही कहना चाहूंगी और कुछ नहीं। मैच को लेकर आप कितने निराश हो गए हो? आशा बहुत ज्यादा थी क्योंकि इंडिया आज तक पाकिस्तान से नहीं हारा है। बहुत टाइम बाद ये मौका मिला है पाकिस्तान को इंडिया को हराने का, तो आशा तो बहुत ज्यादा थी कि इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि फाइनल अक्सर ऐसा कॉम्पिटिशन होता है जो अपना जो स्पोर्ट होता है, इंडिया ने हमेशा फाइनल में जीतता है। शायद इंडियंस ओवर कॉन्फिडेंस, नॉट ओनली इंडियन प्लेयर्स, हम लोग सभी एज एन इंडियंस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में थी कि नहीं इस बार तो हमारे पास आ गई है ट्रॉफी, हमारे पास आ गई ट्रॉफी। पर ठीक है, कभी निराशाजनक स्थिति भी हो जाती है। आगरा में तो लोगों ने अपने घर का पुराना टीवी सेट फोड़कर गुस्से का इजहार किया, तो रांची में धोनी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जनता से लेकर सितारे तक इस बड़ी हार पर गुस्से में दिखे। कुछ लोगों ने टीम इंडिया की हार को भूलकर हॉकी टीम को पाकिस्तान पर जीत के लिए बधाई देनी शुरू कर दी। वीरेंद्र सहवाग ने ट्विटर पर लिखा, हॉकी टीम को पाकिस्तान पर 7-1 की शानदार जीत के लिए बधाई, ये जीत भारतीय हॉकी को बहुत आगे ले जाएगी। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने ट्विटर पर लिखा, भारत क्रिकेट में भले ही हार गया लेकिन हॉकी में शानदार जीत हासिल की, टीम इंडिया और टीम पाकिस्तान दोनों को बधाई, खेल सबको बराबरी पर ला देता है। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्विटर पर लिखा, बहुत ड्राफ्ट बनाए मैंने इस ट्वीट के, स्मार्ट बातें लिखने की कोशिश की, पर सच ये है कि हम मैच हार गए, बुरा तो लग रहा है और जैसा अंदेशा था वो भी हुआ। पाकिस्तान की जीत पर कश्मीर के अलगाववादियों को जश्न मनाने का मौका मिल गया। श्रीनगर में देश विरोधियों ने न सिर्फ पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े बल्कि हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भी साथ दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की तरह भले ही ज्यादातर यही मानते हैं कि खेल में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जिस तरह भारत पाकिस्तान के हाथों हारा है, क्रिकेट प्रेमियों में उसकी टीस लंबे समय तक बनी रहेगी। भारत की हार पर देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन मीरवाइज उमर फारूक ने इसका जश्न मनाया और इसी से भड़क उठे
गौतम गंभीर और उन्होंने ट्वीट कर उन पर निशाना साधा है। ट्वीट एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। मीरवाइज को मेरी सलाह है, तुम क्यों नहीं पाकिस्तान चले जाते हो, वहां तुम्हें बढ़िया चाइनीज पटाखों की आतिशबाजी मिलेगी। ईद वहीं मना लेना, सामान पैक करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये ट्वीट किया है क्रिकेटर गौतम गंभीर ने। और इस पूरे बवाल पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रहे हैं, दिखाते हैं आपको। सेपरेटिस्ट लोग है कश्मीर के, हमेशा ये पाकिस्तान के पक्ष में रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज भी हिंदुस्तान की भूमि पर रहकर वो पाकिस्तान के लिए जिस तरह से दुआ करते हैं, तो सरकार ने देखना चाहिए। और दूसरी बात, हार जीत तो हो जाती है खेल में, हिंदुस्तान हो या और कोई देश हो, लेकिन पूरा देश चाहता था कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से रिश्ते नहीं होने चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे ट्रेड हो। अगर हमारे जो भारतीय क्रिकेट की टीम है, मैं उनके ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, कभी कभी उनमें से कुछ लोगों को देशभक्ति उनके दिल में बहुत ट्वीट के ऊपर मैं देखता हूँ कि देशभक्ति, अगर उसमें दो खिलाड़ी भी ऐसे निकलते कि वो अगर कहते कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होती। हार के किसी भी देशवासी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसके ऊपर हिंदुस्तान के निवासी और हुर्रियत के नेता अलगाववादी, वो पाकिस्तान की जीत से खुश होते हैं। और गौतम गंभीर ने जो हमारे क्रिकेटर हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल के, उन्होंने उनके लिए ट्वीट किया है कि अगर उनको इतना प्रेम है पाकिस्तान से तो पाकिस्तान चले जाएं। मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सही उसका जवाब दिया है, और हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी कहला के हिंदुस्तान के खिलाफ वो हमेशा इस तरह की बात करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कटुता बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे भी ट्वीट्स आए कश्मीर को लेकर। देखिए, कश्मीर में हम एक समस्या का सामना कर रहे हैं, वहां कुछ अलगाववादी है, तो अलगाववादियों का जो बर्ताव होता है वह एक पॉलिटिकल ढंग से उसे हमें टैकल करना चाहिए, उसका एक राजनीतिक सॉल्यूशन है, वो ट्विटर सॉल्यूशन नहीं है। भारत की हार पर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन गद्दार इस पर खुशियां मना रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।